चलिए ध्यान दे, आज हम लोग देखेंगे क्या मैथ में देखेंगे। मैथ में कहाँ तक देख लिए थे? चैप्टर नंबर 7 तक देख लिए थे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 7 तक जितना भी अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया VVI चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो मैथ हम पूरा समाप्त कर दिए, किताब वाला NCERT मैथ पूरा समाप्त कर दिए, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक समाप्त कर दिए। तुम लोग को क्या क्या समाप्त हो गया है? तो मैथ पूरा समाप्त है, साइंस पूरा समाप्त है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा के पूरा समाप्त कर दिए हैं। फिर SST यानी सोशल साइंस से पूरा समाप्त है, सिर्फ ज्योग्राफी बचा रहे थे। कल हम ज्योग्राफी जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है। कल हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 तक समाप्त है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को देखो, एक तो हम जो बोलते तुम लोग जरूर देखो, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का जितना भी अभी तक VVI OJT पूछा गया है उसको हम बता दिए, तुम लोग का जो क्लास में आएगा 2022 में आएगा तो वही ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। तू जरूर देख लो, ठीक है। हिंदी का एगो अपलोड कर रहे हैं, वही वीडियो का ही देख लेगा। जितना भी VVI OJT पूछा गया एक ठो वीडियो अपलोड है, वही देख लेगा, उससे सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। संस्कृत का भी एक ठो अपलोड है, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग जाके देखो। आज एक ठो फिर अपलोड है, अथी साइंस में 3 अपलोड है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, उसको देख लो, उससे सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सोशल साइंस में 2 वीडियो अपलोड है, ठीक है ना, उसको देख लो, उससे सारा ऑब्जेक्टिव तुम लोग को आ जाएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न किसका डाल दिए 2022 के लिए? तो हिंदी का डाल दिए, संस्कृत का डाल दिए हैं, और साइंस का भी डाल दिए, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न सब वीडियो जाके तुम लोग जरूर देखो। आप मोलस सोल्यूशन भी डाला हुआ है 2022 के लिए डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो त्रिकोणमिति का सूत्र याद होना चाहिए, और त्रिकोणमिति का सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद इसका भी करियर स्कोर से चैप्टर बाय चैप्टर बता रहे हैं ये हम। देखो VVD गेस पेपर जिसके पास है वो निकाल लो, जिसके पास ना है इसका हम फोटो अपना टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी है जगदेव क्लास, उस पर इसका फोटो डाल देंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है किसी से तो वो है त्रिकोणमिति है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है, इसमें तुम लोगों को सूत्र फटाफट याद होना चाहिए, ठीक है। करियर स्कोर चल रहा है, करियर स्कोर यानी पहले मैथ थोड़ा चल रहा है, मैथ के बाद फिर लेकर आएंगे क्या, इसका 2 नंबरिया लेकर आएंगे और 5 नंबरिया लेकर आएंगे, ठीक है ना। पहले हम ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं, ठीक है। और साइंस का भी करियर स्कोर चल रहा है, तुम लोग मेरा वीडियो कैसे मिलेगा? तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो मेरा खोजो, ठीक है ना। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर खोजना तब मिलेगा, ऐसे खोजेगा तो बोखना बहुत पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दे दे, उससे पहले हम बता देते हैं त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक बता देते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का बेसिक में हम जानते हैं क्या, ध्यान दे, पहले हम क्या जानते हैं साइन थीटा, क्या जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H यानी लंब बटा साइन थीटा बराबर P/H यानी लंब बटा कर्ण, उठा फेंक देंगे उसमें गला कहेगा ले रह जाएगा जिंदगी भर। फिर कोसेक थीटा क्या बताया, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक यानी H/P पता है तुम लोग को। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या टेन थीटा, क्या पढ़ाए थे टेन थीटा बराबर आए थे P/B क्या पढ़ाए थे, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर होगा इसका उल्टा यानी B/P हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है क्या, फिर आता है यहाँ पर कोस थीटा, क्या आता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है B/H क्या होता है, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B यही बताए थे ना, H/B हो गया। इस सूत्र याद होना चाहिए, बताए तुम लोग को। फिर सबका मान याद होना चाहिए, कितना डिग्री मान कितना होता है, मान एकदम याद होना चाहिए, सब तुम लोग बताए ना, मान सबका याद होना चाहिए। देखें ए बंदर यहाँ ध्यान दे, सबका मान याद होना चाहिए, सबका मान याद होना चाहिए। जैसे देखें यहाँ पर हम कुछ फटाफट लिख देते हैं, तुम लोग को सबका मान आना साइन थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख दिया हम कोसेक थीटा, फिर यहाँ पर लिख दिया हम टेन थीटा, फिर लिख दिए कोट थीटा, सबका मान याद फटाफट होना चाहिए। फिर लिख दिए हम यहाँ पर कोस थीटा, सबका मान फटाफट याद होना चाहिए सेक थीटा, ठीक है ना, लिख दिए ना। यहाँ पर देंगे 0 डिग्री, क्या देंगे 0 डिग्री, फिर देंगे 30 डिग्री, सबका मान याद होना चाहिए, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, सबका मान, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, डायरेट पूछ देगा तुम लोगों को, तो बता साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, 3/2 होता है ना, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1। अब देख साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा टेन का उल्टा, और कोस का उल्टा सेक, कुछ हम बेसिक बताते तो फटाफट रम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक 149 क्वेश्चन पूछा गया है, 149 क्वेश्चन को हमको देखना है, ठीक है ना। और तुम लोग एक चीज़ बोल दे कि मेरा कुछ कोई भी वीडियो खोजना है तो फोटो पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाइए, खोजो, प्ले लिस्ट में सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। और तुम लोग देखो बहुत काम देगा, तो ये देख लिया ना, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा तो 0 का उल्टा, 0 मतलब कुछ होना है, तो कुछ का उल्टा बहुत यानी अनंत, बहुत यानी अनंत, ठीक है ना। 1/2 का उल्टा पलट देते 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा इसका उल्टा पलट देते √2 हो जाएगा। अरे एक नीचे लिखते हैं, थोड़े एक लिखते हैं क्या,
एक का भागा दें तो वही होगा ना, इसको पलट देते 2/√3 आई, इसको पलट देते क्यों होगा, अरे एक को कितना पलटी मारू, बोलेगा हम एक के रहेंगे, क्या रहेंगे आप टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का टेन 0° मान क्या होता है 0, टेन टी डिग्री मान कितना होता है 1/√3, 43 के मान 1 और 60 के मान 3 और 90° मान अनंत, क्या होता है इन्फिनिटी यानी अनगिनत यानी अपरिभाषित, ठीक है ना, याद हो गया ना। टेन को मान फिर से याद होना चाहिए क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा टेन ज्यादा यूज होता होता करते हैं, करता है ना, ऐसे तुम लोगों को पूरा याद होना चाहिए। टेन का उल्टा को, टेन का उल्टा तो 0 का उल्टा बहुत, 0 मतलब कुछ होना है और इसका मतलब बहुत, इसका उल्टा 3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है, 3 का उल्टा 1/√3, अनंत मतलब बहुत, बहुत का उल्टा कुछ होना है, कुछ होना यानी 0 हो गया। अब कोस, तो कोस के, कोस के लिखना है तो इधर से लिख दे, साइन ब्लॉक इधर से लिख दे, साइन ब्लॉक पकड़ रहा है, इधर से लिखना शुरू कर देते, एक का एक 3/2 का 3/2, 1/√2 का 1/√2, 1/2 का 1/2 आ 0 का 0 हो गया। और कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 2, 0 मतलब कुछ होना है, कुछ उल्टा अनंत हो गया, याद हो गया ना। अब फिर तुम लोग को इस सूत्र में याद होना चाहिए, पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद होना चाहिए, इससे हम कितने सूत्र बनाए थे याद है ना, पलट उलट के बनाए थे ना, फिर तुम लोग को सूत्र याद होना चाहिए कि ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, पी से पी खत्म है, से एस खत्म ना हो जाएगा, अरे साइन और कोसेक गुना करें तो एक होता है, कितना होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, एक, कितना होगा, ये दोनों गुना करेंगे तो देखिए पी यहाँ नीचे यहाँ ऊपर खत्म, यहाँ बी ऊपर यहाँ बी नीचे खत्म ना हो जाएगा, तो ये दोनों को गुना क्या होगा, एक क्या होगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, फिर दोनों गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा बोले कोस थीटा, चलो कोस से आगे लिए तो उससे कोई दिक्कत ना, आगे किसी को लिखे गुना में कोई दिक्कत है क्या, सेक थीटा बराबर कितना 1, पता है ना, फिर तुमको ये भी याद होना चाहिए क्या, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, फिर तुमको याद होना चाहिए तो उसी पर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, अरे ये दोनों होता है ना, फिर उसी प्रकार बताया था तुम लोगों को क्या, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, उसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, उसी प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा क्या होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, इतना सूत्र तुम लोग को याद होना चाहिए त्रिकोणमिति में, ठीक है ना, इसी को उलट पलट के यार हम सूत्र बनाते हैं, पता है ना, तो ये हम बता दिए कुछ, अब हम फटाफट देते हैं, 149 क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट हम निकलेंगे, ठीक है ना, कितना क्वेश्चन पूछा गया, 149 क्वेश्चन पूछा गया, कितना, तो 149 क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, ठीक है ना, हम फास्ट में जाएंगे, इसके बाद बीबीडी का पहले निकाल ले, उसी का ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, इसे अब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर दुनमरिया जाएंगे, फिर पछलमरिया जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब सब्जेक्ट हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, कि ज्योग्राफी बचा हुआ, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ानी है, उसके बाद खाली सिर्फ ज्योग्राफी बचा हुआ, बाकी हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, चलिए अंड इतना तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है, 149 क्वेश्चन बताना हमको है, देख पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम बता दिए कि इसको बता दिए कि इसको जिसके पास ना है इसका हम फोटो हम डाल देंगे अपना टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम भी जयदेव क्लास, वहाँ पर डाल देंगे इसका फोटो, ठीक है ना, चलिए ध्यान दें, पहला क्या है 1+10√3 क्या है, 1+10√3 बराबर क्या होगा, 1+10√3 बराबर, देख 10 को भेज दो उधर, नहीं आ रहा है, 10 को भेजेंगे उधर तो क्या जाएगा, 1+10√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हो गया सूत्र, उसी ने पलटे रहे, बस हो गया आंसर सेक स्क्वायर थीटा, समझ लो क्या सूत्र याद रहेगा तो नहीं बनेगा, अगला है साइन 90 माइनस थीटा, देख ले साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा, आंसर क्या, कोस थीटा ना हो जाएगा, अगला है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, सेक स्क्वायर 60 माइनस, देखा पर सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 बोल रहा था, ऐसे बना ले, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1, यह बोल रहा है, तो 60 मान कितना होता है जल्दी बता दे, अरे सेक 60 मान कितना होता है, सेक 60 मान निकाल, दूर होगा, देख ले कहाँ है सेक 60 का मान, सेक कितना है, 2 है, तो बस यहाँ 2 देंगे, कितना देंगे, तो तुम लोग दाया उठा पड़े देंगे फट जाएगा, सवाल देखिए 3-3 करते रहता है, कैसे होगा पता ना है, जो निकालना यहाँ निकाल लें, सेक 60 मान कितना होता है, 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में सेक गया कितना,
तीन बस हो गया, कैसे आया पता नहीं, सर 60 मान की हो रहा है पूछ रहे तो पता नहीं किसी को, तीन तीन कर रहा है लगा कितना विद्वान उठा जहाँ पटा देंगे होश में जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है, बारह वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही बोल रहा है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि सूत्र बार वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बोल रहा है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर इधर चल जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना आ जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया उसी प्रकार वन माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट को भेज दो उधर, कोट को भेज दे कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर देख कोट है ना, यहाँ पर क्या है कोट है, कहाँ भाग गया, हाँ वन माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन प्लस है, सॉरी प्लस है, प्लस होना भी चाहिए, प्लस है क्या है, देखें यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा तो लिख दे कोसेक स्क्वायर थीटा, जल्दी बता हाँ लिख देते हैं आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, देखो हाँ कोसेक का उल्टा, अरे यहाँ पर बता दो कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ऐसे देख लें यहाँ पर कोसेक का उल्टा आता है साइन घर जाकर नीचे चल जाएगा, जाएगा ना तुमको पता होना चाहिए सब, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं साइन से एगो साइन खत्म था बच गया एगो साइन, आंसर साइन हो जाएगा, क्या जाएगा साइन, समझ समझ आया, क्योंकि उल्टा पुल्टा करना आना चाहिए सूत्र हम सब नहीं हटा देते तो उल्टा पुल्टा करना आना चाहिए, बोलेंगे साइन थीटा बराबर तो वन बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर तो वन बटा साइन थीटा, टेन थीटा बराबर बराबर तो वन बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर तो वन बटा टेन थीटा, समझ लोग आ रहा है ना, फास्ट लिस्ट ले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताना है और तुम लोग को रिविजन चाह रहा हो, ऑब्जेक्टिव भी फास्ट नहीं बना पाएगा तो क्या बना रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कितना पाँच, कितना बोल रहा है पाँच नंबर क्वेश्चन फालतू है बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ठीक है ना, क्योंकि पाँच नंबर क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव जब तक है पाँच नंबर में आना चाहिए या तीन नंबर में थी क्या बोलता है ये पाँच नंबर में आना चाहिए, दो नंबर के लिए भी क्वेश्चन आया ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है तो इसको छोड़ दे, क्या करेंगे छोड़ देंगे ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को कितना रहेगा डबल रहेगा, कितना रहेगा डबल रहेगा, रहेगा हंड्रेड ऑब्जेक्टिव रहेगा फिफ्टी बनाना है तो जो टेस्ट में माथा खाली दबाएंगे ठीक है ना, जो हार्ड रहेगा उसको फटाक से छोड़कर निकल जाने पचास को हल्का हल्का छू ले रहा है ठीक है ना, तो तुलना बड़ा हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः ये हम बताएंगे कब, जब तुम लोग को बताएंगे दो नंबर या पचास मिले तब उस समय बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना छः क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः बोल रहा है टू साइन थीटा, टू साइन थीटा बराबर वन, टू साइन थीटा बराबर वन, तो बोल रहा है इसका मान बता टी थ्री कोट स्क्वायर, थ्री कोट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री, यही है ना सब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा वन बटा टू ना हो जाएगा, अरे होगा वन बटा टू डू कदर भेंगे तो भागा में हो जाएगा, और जैसे भाग में होगा तो यहाँ ध्यान दे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर मेरा हो गया वन बाय टू, कितना हो गया वन बाय टू हो गया ना। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा को इसको लिखते हैं पी, इसको लिखते हैं एच लिखते हैं, तो पी के मान ए आकार, एच के मान कितना दो, तो बी के मान निकाल लेंगे, तो बी के मान पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो क्या जाता है, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से हटाएंगे तब निकलेगा, तो यहाँ पर एच का मान कितना है दो, दो दूनी चार आ एक जाएगा, तो चार में से एक जाएगा कितना रूट अंडर तीन हो गया। अब इसको निकाले थ्री का थ्री कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर बी बाई पी क्या होता है बी बाई पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस थ्री का प्लस थ्री, तो थ्री का थ्री बी का मान कितना आया रूट थ्री, कितना आया रूट थ्री, और पी का मान कितना है तो एक, कितना है एक है तो एक दे दिए स्क्वायर का स्क्वायर तीन का तीन, तो तीन का तीन और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा तीन आएगा, और एक का एक आ यहाँ ब्रैकेट आएंगे तो गुना, और प्लस तीन का तीन, तीन ती आई नौ, नौ में तीन जोड़ेंगे कितना बारह, अच्छा अला देख गलत है बारह हुआ कितना होगा तीन जोड़ना फिर ना है बाद में कि वैसे तो नौ आ गया। अगला देख क्वेश्चन नंबर कितना सात बोला कोट 90 माइनस है, तो कोट 99 माइनस है बराबर क्या होगा, तो कोट 90 माइनस ए कहाँ भाग गया, हाँ कोट 90 ए माइनस है बराबर क्या टेन थीटा होता है, तो टेन ए हो जाएगा वहाँ ए है तो ए बोलना है, समझ लोग आ गया। क्वेश्चन नंबर आठ बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर रूट दस, तो सेक थीटा बराबर कितना, ये सब क्वेश्चन रहेगा तो फटाफट ऐसे बनाना है, देखो बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर आठ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर क्या बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर रूट दस, रूट दस, तो बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ तोड़ करेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है मेरा एच बाय पी यही होता है एंड, तो यहाँ कोई ना एक है तो एच के मान दस हो गया पी के मान एक हो गया, बी निकाले पाइथागोरस प्रमेय नहीं निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे बी, तो कैसे करते हैं कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, तुम जानता है ना पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, उसी से उल्टा पुल्टा करके निकालनी है, तो एच मेरा कितना है दस, दस को स्क्वायर करेंगे तो दस होगा, एच मेरा क्या है रूट दस, और दस दस का रूट दस का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म दस बचेगा, पी कितना है एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक क्या होगा, तो कितना हो गया नौ, कितना हो गया और नौ के बरमूल तीन हो गया। अब सेट थीटा मान बताना, सेट थीटा बराबर क्या होता है, सेट थीटा बराबर क्या होता है बता ली, बी बाय एच बाय बी, एच बाय
बी देखो वहाँ लिखा है, अब एच कितना है रूट दस और बी कितना निकाले तीन, तो दस रूट दस होता है तीन हो गया। इस तरह क्वेश्चन लगा, इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है फिर नौ, टेन देखें यहाँ पर टेन थर्टी क्या बोल रहा है, नौ नंबर बहुत क्वेश्चन इसमें, टेन टेन थर्टी टेन फिफ्टीन सेवेंटी फाइव उसके बाद टेन एट्टी यही है ना। देख जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हमको देखो हमको 10 डिग्री मान 15 डिग्री मान 75 डिग्री मान 80 डिग्री मान थोड़े पता है कि हम बैठा दें, नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करना पता है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 10 और 80 90 हो रहा है, 15 75 90 हो रहा है, तो दो को बदल देना है, दो को बदलेंगे तो जगह 10 को बदलेंगे कोर्ट में, तो यहाँ पर बता 90 में कितना हटाएंगे 75 75 आएगा, चलिए बता 10 में कितना हटाएंगे 75 आएगा 15, तो जगह 10 90 माइनस 75 बराबर हो जाएगा, देखें 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है ना, तो 10 90 माइनस 15 बराबर क्या जाएगा कोट थीटा, तो कोट 15 यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा कोट 15 क्या जाएगा, उस प्रकार यहाँ पर क्या जाएगा कोट 10, अरे 80 या 10 90 होगा ना, समझ तो आ गया। अब 10 थीटा इंटू कोट थीटा, देखें यहाँ पर 10 थीटा यहाँ पर 10 और कोट थीटा यहाँ पर 10 बराबर 1, उस प्रकार 10 15 और यहाँ पर कोट 15 बराबर 1, क्योंकि होता है ना 1 होता है ना, बस रहता है इतना समय नहीं आ रहा, तो बस तुम लोग क्या करना है देखना गुना में, हाँ गुना में है, तो क्या करना है देखना यहाँ 10 अच्छी 90 खाली होना चाहिए, तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया, तो बस एक मार देना है आंसर, क्या मार देना है गुनाम रहेगा, तो 90 होना चाहिए एक मार देना है, क्या मारना है गुनाम रहेगा तब, गुनाम रहेगा तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 10 तो हो गया ग्यारह, 3 को सीटा बराबर 2 तो बोल रहा है इसका मान बताओ, किसका है 10 नंबर है, क्या है 10 30 साइन 30 और उसके बाद कोट कोट 60 और कोसेक 30, ये तुम लोग खुद बनाना कर रखा है, यहाँ मान रखना 10 30 के मान कितना, तो बन वाले 3, अरे यहाँ मान नहीं पता था तो ऐसे निकाल लिए थे, यहाँ पर पता है ना तुम लोग को, कोट 10 30 मान 1/3 साइन 30 के मान कितना होता है 1/2 होता है, कोट 60 मान कितना होता है तो 1/3 होता है, कोसेक 30 के मान कितना होता है तो 2 होता है, रखेगा बंदा ही नहीं मिटा यार, चलिए डन दे। चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 cos theta बराबर कितना 2, कितना तो बोल रहा है बता 2 sec square theta प्लस 2 tan square theta माइनस 7 का मान कितना होगा, माइनस 7 का मान कितना होगा, तो देखें यहाँ पर cos theta बराबर 3 इधर आएगा तो 2/3 हम जानते हैं कि थीटा cos theta बराबर क्या होता है, होता है बी बाय एच होता है, तो बी का मान इतना एच का मान इतना, पाइथागोरस परमेश क्या जाएगा, तो पाइथागोरस परमेश निकालना है पी, पी एन गायब है जो गायब रहेगा वो निकालना है, तो पाइथागोरस परमेश क्या होगा बड़का में छोटा घटाएंगे तो एस स्क्वायर में से पी स्क्वायर घट जाएगा, एस का स्क्वायर करेंगे तो 9 कितना होगा, पी का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 9 में 4 गया तो रूट अंडर फाइव आप बना दे फटाक से 2 का 2 sec theta मान क्या होता है, sec theta मान होता है मेरा, sec theta मान क्या होता है एच बाय बी आप प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर और 10 का मान क्या होता है 2 का 2 दे 2 का 10 का मान क्या होता है p/b क्या होता है p/b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 7 का माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पर दें 2 का 2 एच का मान कितना है, तो एच का मान मेरा है कितना देख ले 3 कितना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, बी का मान कितना निकाला था बी का मान कितना है, तो बी का मान मेरा है 2 कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 प्लस का प्लस 2 का 2 अब यहाँ ध्यान दे पी, तो पी का मान कितना निकाले थे √5 कितना निकाले थे, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म बचेगा 5, बी मेरा कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 माइनस 7 के माइनस 4 2 दूनी 4 तो यहाँ 9/2 यहाँ पर 5/2 पल माइनस 7 के माइनस 7 2 के एल सी एम 2 और 9 और 5 14 अरे 2 का 2 तो 9 का 9 2 का 2 5 का 5 होगा ना, तो 9 5 14 ना हो जाएगा माइनस 7 2 में 7 से भागा देंगे 14 में भागा देंगे 7 - 7 बराबर कितना लड्डू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा उल्टा क्या होता है साइन होता है, बोल रहा कोसेक थीटा के बराबर होगा तो कोसेक थीटा उल्टा साइन थीटा तो 1/sin θ सी नंबर कौन होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 13 सेक थीटा बराबर सेक थीटा उल्टा क्या होता है कोस होता है तो सेक का उल्टा कोस तो 1/cos θ यानी बी नंबर, फिर बोल रहा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा 2 cos²θ क्या बोल रहा है 2 cos²θ बराबर कितना ना 2 cos60 का मान क्या होगा, यही बोल रहा है ना, तो 2 का 2 cos60 मान क्या होता है, cos60 मान होता है कितना, हल्ली बता दे
वन बाई टू ना होता है। अरे यहाँ रख रहे कोस 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 60 का मान वन बाई टू होता है स्क्वायर का स्क्वायर तो दू और एक बटा चार तो काट दे एक बटा दू आंसर कितना एक बटा दू। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना 15 बोला सेक थीटा बराबर 13/12 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या सेक थीटा बराबर 13/12 तो हम जानते हैं तो बोल रहा है कोट थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा बराबर कोट थीटा बराबर क्या होगा बता रहा है तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एच बाय बी क्या होता है तो ये हो गया एच ये हो गया और निकालना है पी क्योंकि कोट थीटा आएगा पी आएगा अरे कोट थीटा आएगा बी बटा पी आएगा ना तो बी तो हमको पता है बी मेरा कितना है 12 तो ऊपर पता है हमको 12 होगा पी निकालना पड़ेगा अच्छा देख लो ऊपर जिसका 12 है वो आंसर हो जाएगा तो खाली एक में है ना ऑप्शन नंबर सी में नहीं देख रहा है खाली एक में 12 है तो वही मार के निकल जाए ऐसे हम निकालेंगे पी तो आएगा 5 कितना आएगा कैसे निकालेंगे तो एक बरका में से छोटका घटाता है करके तो एच में से पी घटाएंगे एच उसका माना पी उसका एच का सौ करेंगे तो 169 में से पी घटाएंगे 144 में से जो घटाएंगे तो आएगा 25 के बर्म में कितना होंगे 5 हो गया ना तो 12/5 हो जाएगा समझ लो क्या क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा यदि ए और बी दो न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कोस बी तब ए प्लस बी कितना होगा साइन और ए और कोस बी कब बराबर होता है जल्दी बता दे साइन और कोस कब बराबर होता है जल्दी बता दे 45 पर होता है बराबर उठा पटा देंगे फटिया जाएगा जानवर कहीं के 45 पर होता है ना तो ए और बी कितना हो गया 45 कितना हो गया और ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 45 कितना होगा 90 कितना होगा 90 क्वेश्चन नंबर कितना 17 बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 तो कोस ए प्लस बी बराबर कितना होगा देखा यहाँ पर कोई भी त्रिभुज है कोई भी त्रिभुज है यहाँ पर सी बोल दिया 90 कितना बोल दिया हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो सी यहाँ पर 90 बोल दिया ना तो यहाँ बचा ए यहाँ बचा बी यहाँ बच्चा अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि ई है 90 तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना 180 होता है 390 अकेले है तो ये दोनों कितना होगा दोनों बीच जोड़ के 90 होगा उठा पड़े देंगे फट जाएगा अरे त्रिभुज के चारों तीनों कोण का जो कितना होता है 180 तो 90 या अकेले है तो ये दोनों तो ये दोनों भी मिलकर 90 होगा तब ना 180 पूरेगा तो वहाँ बोल रहा है ए प्लस बी कितना होगा तो ए प्लस बी 90 होगा ना बोल रहा है कोस ए प्लस बी का मान बताओ कोस ए प्लस बी का मान तो कोस आ ए प्लस बी का मान कितना होगा 90 कितना होगा और कोस 90 डिग्री मान कितना होता है 0 तो बस 0 हो गया समझ लो आया क्वेश्चन नंबर कितना यहाँ गलत दिले है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिले रहता है ठीक है ना तो तुम लोग को भाई हम बता देते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग गलती नहीं करना है बोरा 18 नंबर कुछ नहीं करना है देखें आप जब इस तक क्वेश्चन आएगा ठीक है ना तो वही देखना है साइन 63 क्या देखना है साइन 63 और यहाँ पर क्या है कोस 20 किसी एक को बदल देना है किसी एक को ऊपर वाला बदल दे या नीचे वाला बदल दे ऊपर वाला बदलेंगे तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा क्या साइन को साइन कैसे बदलता है देखो हम घटा के कोस से बदलता है ना तो साइन ला बदलेंगे तो ऊपर हो जाएगा कोस क्या जाएगा कोस 27 हो जाएगा दोनों खत्म हो जाएगा नहीं तो बस तुम लोग को इतना दिमाग लगाना है कि दोनों पर 90 पूरा जोड़ने पर 90 पूरा है ना बस कट जाएगा तो हो जाएगा एक क्योंकि बदलेंगे तो क्या होगा एक ठीक है ना क्या होगा एक 90 अगर पूर गया तो एक उसका मान होगा क्या होगा चाहे गुणा में रहे या भागा में रहे एक होगा क्या होगा समझ लो आ गया उस प्रकार देख 19 नंबर में एक पूरा है 90 पूरा जोड़ने पर 10 49 और 10 अथी ऊपर में 10 49 नीचे हम कोटक सारी दोनों जगह पर एक पूर रहा है ना हो रहा है तो हो जाएगा एक कितना हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20 है 1 + 10² है क्या है 1 + 10² ए फिर 1 + cot² है तो 1 + 10² है 10 को उधर भेजेंगे तो 1 + 10² बराबर क्या होगा sec स्क्वायर है ना होगा अरे होगा अरे बंद उसी प्रकार यहाँ पर कोट को उधर भेज दे तो हो जाएगा 1 + cot² बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर है अरे होगा रे हो गया अब बोल रहा है क्या इसमें बता इसमें क्या होगा तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 1/cos² है लिखते हैं अरे सेक का उल्टा कोस होता है तो 1/cos² है और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन क्या होता है तो नीचे हम लिखेंगे 1/sin² है लिखेंगे अरे पल्टी मारे कहाँ चल जाएगा ऊपर कहाँ चल जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और एक कहाँ जाएगा नीचे पल्टी मार के चल जाएगा ना और साइन थीटा बटा कोस थीटा ना हो गया बराबर क्या होता है 10 थीटा क्या होता है तो 10 है स्क्वायर स्क्वायर दोनों जगह है तो स्क्वायर आंसर चला ना क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 10 थीटा बराबर 8/15 क्या बोल रहा है इसे क्वेश्चन देख यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ध्यान से देख तुम लोग को यहाँ पर चोरी चक्कर में नहीं रहना है 10 थीटा बराबर कितना है तो 8/15 क्योंकि जो टीम इतना गड़ा डबल पूछता है जो टीम उतना बना पाएगा तो क्या पड़ता है 8/15 10 थीटा बराबर 8/15 पूछता है ठीक है ना तो बोल रहा है कोसेटेटा का मान बता कोसेटेटा के मान बताते देख यहाँ पर ये क्या हो गया पी बाय बी क्या हो गया पी बाय बी तो पी हो गया ई बी हो गया हमको बताना है इसका मान तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय पी होता है ना तो पी यहाँ पर कितना है 8 कितना है अरे फिक्स हो गया कि नीचे 8 आएगा नीचे क्या आएगा 8 नीचे 8 किस में है देख लेते खाली ऑप्शन नंबर ए में है ना ऑप्शन नंबर कितने में ए में नीचे खाली 8 है आप बोलेगा दोनों में 2 को रहता था तो ऊपर वाला निकालता फिर क्या निकालते तो निकालते बी अथी निकालते एच क्या निकालते तो एच कैसे निकलता तो एच निकलता कैसे तो रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो बी स्क्वायर से निकाल लेता था कितना था तो आता तुम्हारा 15 8 17 यानी 289 यानी 17 आता कितना आता समझ लो आ गया क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा साइन ए बराबर 18/17 फिर वही क्वेश्चन में ना साइन ए बराबर कितना है साइन ए बराबर 18/17 तो किसका मान पूछ रहा है मान पूछ रहा है कोटे का किसका पूछ रहा है कोटे का तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाय एच क्या होता है पी इतना हो गया एच इतना हो गया ना
अरे उल्टे दे दिया 18/17, ये गलत है, क्वेश्चन में गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पी कभी बड़ा ना होता है, बड़ा होता है एच, क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच होता है ना। तो पी कभी बड़ा होता है कि बड़ा हमेशा होता है एच, एच बोले तो कर्ण होता है ना। आप अगल यहाँ एच के जरिए छोटा, यानी क्वेश्चन में गलत पूछ ले, समझ लोग आ गया, समझ लो क्यों गलत है, समझ आया तुम लोग को रे, क्योंकि एच हमेशा बड़ा होना चाहिए लेकिन एच को जरिए छोटा नहीं दे दिया, इससे गलती है ठीक है। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, सिंपल बात है, एच मतलब कर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 23, बोरा 9 sec² ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 9 sec² माइनस 9 tan² बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन सबसे हल्का है, 9 sec² माइनस 9 tan² ए बराबर, तुम नो ले लो कॉमन, तो नो कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया क्या मेरा सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो गया 10² ए हो गया। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, देख यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया, एक कितना हो गया, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 9 का 9, तो 9 हो गया, समझ लो क्या। हाँ अगर वहाँ पर 10 होता तो 10 होता, 11 होता तो 11 होता, समझ लो क्या। तो बेटा अगले बोर्डवा को एक मिनट, चलिए ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 24, बोल रहा है कोस 90 माइनस ए, तो कोसेक 90 माइनस ए, देखें कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या, सेक 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 है, अगर ठीटा आ ठीटा दिए यहाँ पर सेक है देना, क्या देना है सेक, तो क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 25, यदि 2 sin² ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान बताएं, तो इसमें ए का मान बताना है, तो क्या करना है, देखिए भाई बोल रहा है क्या, बोल रहा है 2 sin² ए माइनस 1 बराबर 0, तो 1 को उधर भेज दे, तो क्या जाएगा 2 sin² ए बराबर 1 हो जाएगा प्लस में 1, अब sin² बराबर क्या होगा 1/2, क्या होगा आप स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा रूट, क्या होगा रूट हो जाएगा, अब 1 के बर्गमूल 1 रूट 2 के बर्गमूल निकलेगा रूट 2, तो कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है 45 डिग्री मान 45, आंसर हो गया, क्या हो गया 45, समझ तुम कह रहा है ना। अगला देख, तुम लोग इस तरह मोटिव चपटा पर चपटा करवा रहे हैं, और जहाँ एक गलत करके आ जाए वहाँ परीक्षा उठा उठा पटकेंगे ना, एक गो रोटी करवा रहे हैं आप, 100 गो में पूछेगा 50 गो नहीं बनेगा, तो ले लेना ना, है ना, शुरू में पानी में डूब गए एक बाल्टी पानी में डूब के मर जाना, चले आने आंदे। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 26, क्या 26 से भी देखें यहाँ पर, बोला sin² 45 माइनस cos² 45, तो sin 45 के मान कितना होता है 1/2 होता है ना, फिर बोला है माइनस cos² 45, cos² 45 के मान कितना, तो 1/2, दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, चला देख 0 होगा, देखा यहाँ पर 27 नंबर, बोला थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री है, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा मान बताओ, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 60 का मान हो जाएगा मेरा √3/2, कोस 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा √3 + 1/2, यानी यह नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अरे मान रखे तुम लोग जो नहीं जानता है तुम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख, बोला 6 θ/25 / 7, 6 θ/25 / इतना पानी निकाल दे दिया, 6 θ/25 कितना है, तो 6 θ/25 मेरा है क्या, कहाँ भाग गया, 6 θ/25 / 7, तो 10 θ का मान बताएं, देखें यहाँ पर 6 θ/25 / 7 25/7, तो देखें यहाँ पर, यहाँ 6 θ/25 क्या होता है, होता है मेरा h/b, तो h के मान कितना 25 और b के मान कितना 7, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 10 θ, क्या पूछ रहा है 10 θ/25 क्या होता है p/b क्या होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, b तो दिया हुआ है, तो नीचे हम 7 होगा, क्या होगा देख ले, 7 किसमें है नीचे हम, तो 2 गो में 7 है ना, तो अब 2 गो में 7 है, तुमको क्या निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा, तो सिंपल बात है p जो है मेरा 25 ना होगा, p मेरा 25 ना होगा, क्यों ना p 25 ना होगा, कि h मेरा 25 है, तो p 25 ना होगा, 25 ऊपर में किसमें है, c में 25 है, 25 तो होगा ना, तो d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा निकालेगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा मेरा बरका में से, तो बरका h है, तो h में से छोटका यानी b यानी आधार घटाते हैं, यानी कर्म में से हमेशा घटाते हैं, आधार हो या लम्ब घटाते हैं, तो h का करेंगे तो 225 में से 7 का करेंगे तो 49, और दोनों घटा देंगे तो आएगा आएगा 576, कितना आएगा 576 के बारे में होगा 24, कितना होगा, तो यहाँ पर रख देना है पी के मान कितना होगा 24, कितना हो गया 24/7, क्वेश्चन नंबर कितना है, नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 2 sin 2θ / √3, तो थीटा का मान बताएं, तो और सब इजी है, बोल रहा है क्या, कितना क्वेश्चन नंबर है, बोल रहा है कहाँ भाग गया, 2 sin 2θ बराबर कितना है √3, यह है ना, तो 2 को पहले उधर भेज देते, क्या होगा sin 2θ बराबर √3/2 हो गया, अब साइन कितना डिग्री मान √3/2 होता है, जल्दी बता दे, 60 डिग्री मान होता है, कितना डिग्री मान होता है, तो यहाँ sin 60 डिग्री लिख दे रहे, साइन से साइन खत्म, 2θ कितना 60, तो थीटा बराबर कितना, तो 30 हो जाएगा, अरे 2 θ/60, तो 1 θ/30, बस हो गया, समझ लो क्या आया। चला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना 30, बोल रहा है sin θ/√2 cos θ, तो 6 θ मान बताओ, देख यहाँ पर बोल रहा है sin θ/30 में बोल रहा है साइन कहाँ भाग गया, साइन थीटा बराबर
रूट टू कोस थीटा, रूट टू कोस थीटा। तो बोरा सेक्स, तो बोरा क्या, तो बोरा सेक्स थीटा का मान बताओ। देखो यहाँ पर कोस को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा बराबर कितना, रूट टू। अरे यही होगा ना, हाँ। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा पर कितना हो गया, रूट टू। यही हो गया ना, ये कुछ लग रहा है इसमें गलती दे रहा है कि इसमें रूट टू ना होना चाहिए, रूट थ्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर टेन में जो है ना, टेन में रूट टू आता है कि टेन में रूट थ्री आता है, देख लो मान में आता है ना, तो हमको लगता है वहाँ रूट थ्री देना चाहिए, उधर दिया रूट टू गलती से, समझ तो लोग आ रहा है। ये रूट टू तो अभी नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए, रूट थ्री, क्या होना चाहिए, रूट थ्री होना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ गलती दे ले। चल अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कितना, इकतीस, बोरा साइन फिफ्टी नाइन और इकतीस, फिफ्टी नाइन और देख दोनों मिलकर नब्बे पूर रहा है, साइन फिफ्टी नाइन बटा साइन इकतीस, यान बोल रहा है, बोल रहा है साइन फिफ्टी नाइन बटा साइन इकतीस, यान बोल रहा है, जब दोनों मिलकर नब्बे पूर रहा है तो मान कितना होगा, एक, क्या होगा, अगर भाग में रहे और गुना में रहे दोनों जोड़ला पर अगर नब्बे पूर रहा है तो मान कितना होगा, एक, समझ तो लोग आ गया। अगला देख क्वेश्चन नंबर कितना, बत्तीस, तो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कोट को उधर भेज दे, कोट को क्या भेजेंगे, उधर भेजेंगे तो वन इधर आएगा, तो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इधर आएगा तो माइनस वन। तो देखो ही ले कहाँ पर है, कितना नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर में है। तैतीस नंबर क्वेश्चन, बोरा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा और बटा वन प्लस चालीस थीटा, तो ये तो बताइए कि तुम लोग एक बार और, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पर वन और उधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यान बोल रहा है, बोरा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए इधर जाएगा तो वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ले सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, उसी प्रकार टेन को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, वो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, बस हो गया, इसको सॉल्व कर दे। तो हम लोग जानते हैं कोसेक कोटा क्या होता है, साइन क्या होता है, तो वन बटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक सेक कोटा क्या होता है, कोस क्या होता है, तो वन बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये पल्टी मारेगा कहाँ जाएगा, ये पल्टी मारेगा तो ऊपर जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा वन हो गया, मिट जाएगा ऊपर हम कोस निस्वम साइन, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस कोट थीटा होता है, अरे कोस बटा साइन क्या होता है, तो लोग पता है नहीं बोला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर होता है क्या, तो इसका उल्टा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, बोल रहा है क्या, बोल रहा है पंद्रह कोटे बराबर आठ, तो साइन ए का मान बताओ, ये सब तो कितना बार बता चुके हैं तुम लोग को, पंद्रह कोट ए बराबर, पंद्रह कोट ए बराबर आठ, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, तो आठ बटा पंद्रह हो जाएगा ना, हो जाएगा, अब हो गया मेरा कोट ए बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर मेरा होता है क्या, तो बी बाय पी, बी बाय तो बी इतना हो गया, पी इतना हो गया, हो गया ना, तो बोल रहा है किसका मान बताने, बोल रहा है साइन का मान बताने, किसका मान, तो साइन ए बराबर तो क्या होता है, पी बाय एच क्या होता है, यानी ऊपर में पी, पी मेरा कितना है पंद्रह, ऊपर में आएगा पंद्रह, पंद्रह ऊपर में किसमें है देख ले, किसमें है, दूगो में है ना, दूगो में है, दूगो में पंद्रह है, तो सिंपल बात है कि एच निकालेंगे तो एच सबसे बड़ा होता होता है ना, तो इससे भी बड़ा होगा, इससे ही बड़ा होगा, तो देख लेते एच के मान होना चाहिए इससे पंद्रह से बड़ा होना चाहिए, यहाँ सत्रह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल लेते एच, तो एच कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी मेरा कितना है, पी मेरा पंद्रह, पंद्रह का स्क्वायर करेंगे दो सौ पच्चीस, और बी का स्क्वायर यानी आठ का स्क्वायर करेंगे चौसठ, जोड़ेंगे कितना होगा, दो सौ नवासी, कितना हो जाएगा, और दो सौ नवासी बनोगे कितना होगा, सत्रह, तो यहाँ दे रहे सत्रह, पंद्रह बटा सत्रह, समझ लो आया। क्वेश्चन नंबर कितना है, पैंतीस, तो देखो साइन अठारह बहत्तर, क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन अठारह डिग्री और निचुआ में कोस बहत्तर, देख दोनों जोड़े पर नब्बे आ रहा है, आ रहा है, किसी एक को बदल देना है, किसी एक को, किसी एक को बदल देना है, देखा नब्बे आ रहा है ना, तो एक होगा, किसी कैसे अगर निकालने बोले तो किसी एक को बदल देना है, बदलते कैसे, तो ऐसे बदलते हैं, यहाँ से ही सूत्र बदलते हैं, पता है ना, चल अला देख, अला मेरा क्या है, बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो बताओ साइन और कोस का बराबर होता है, पैंतालीस में बराबर, साइन और कोस का बराबर होता है, पैंतालीस में, पैंतालीस में सब बराबर होता है, साइन और कोस के साथ बराबर होता है, कोसेक जो है किसके साथ बराबर होता है, कोसेक जो है सेक के साथ बराबर होता है, टेन और कोट के साथ बराबर होता है, टेन कोट के साथ बराबर होता है पैंतालीस में, पता है ना। अगला देख क्वेश्चन नंबर कितना, बोल रहा है क्या, देख यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इबला देख क्वेश्चन सैंतीस नंबर, क्या दिया हुआ है, सैंतीस नंबर क्या है, कोस वन डिग्री, फिर कोस टू डिग्री, फिर कोस थ्री डिग्री, डो 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 कोस नब्बे डिग्री, कितना यही है ना, आप तुम लोग दिमाग लगा ले, इतना सिंपल दिमाग लगा, क्या है कोस वन कोस टू कोस थ्री फिर कोस फोर कोस फाइव कोस सिक्स करते 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 कहाँ तक पहुँचे, कोस नाइन्टी तक, यानी सब गुना में है, आप तुम लोग दिमाग लगा रहे सिंपल, कोस नब्बे मान कितना होता है जल्दी बता दें, जीरो होता है, अब बताइए सब गुने में है, तो जीरो से गुना होगा तो सब जीरो हो जाएगा, भस्मा शुरू हो जाएगा ना, हो जाएगा तो जीरो हो गया, समझा तुम लोग है ना, समझा रहे, सब क्या है गुने में क्या है, इधर कुछ भी गुना का आया लेकिन ये गुना होगा तो क्या होगा, जीरो कर देगा, दिमाग लगाया, अरे यार टेन कोट में रहता तो हो जाता है, कितना हो जाता, समझ तो लगाया ना। अगला देख क्वेश्चन नंबर कितना आती है, तो कोट नाइन्टी माइनस थीटा, तो कोट नाइन्टी माइनस थीटा,
तो कोट 90 माइनस थीटा होगा 10 थीटा, यहाँ जाएगा 10 थीटा, क्या होगा 10 थीटा, क्वेश्चन नंबर 39, तो ये बोला 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 10 थीटा बराबर कितना, तो कितना बार बताएं सर, नहीं निकाल देगा, तो कोस थीटा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, निकाल लेगा। चला देख बोल रहा 40 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखना सूत्र भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना होता है। फिर बोल रहा है 41 नंबर कोस 90 माइनस है, तो कोस 90 माइनस है, देख कोस 90 माइनस है बराबर क्या साइन है, यानी साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, समझ तुम लोग आया। अगर बोल रहा है 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोस से का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देख यहाँ पर यहाँ सूत्रबा इबला है, सूत्रबा क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा छलखानी है, 10 आगे है कुछ से पीछे है ना, तो आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस कॉमन, माइनस जैसे कॉमन लेंगे ना, समझ, यहाँ पर इसको आगे करना है तो माइनस माइनस आगे आ जाएगा, आएगा अंदर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, आई जगह पीछे थी प्लस में, प्लस से का थीटा ना हो जाएगा, अब बराबर 1 का 1, लेकिन यहाँ पर सूत्रबा में यहाँ माइनस थोड़े दे ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ जाएगा मेरा क्या माइनस से का थीटा होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, क्या जाएगा हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा मेरा क्या 10 स्क्वायर थीटा माइनस से का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा माइनस 1, यानी डी नंबर, उल्टा पूछ दिया तो उल्टा हो जाएगा, क्या जाएगा उल्टा, समझ तो लगाया कैसे ऐसा ना समझ आया, तो तुम्हें देखें यहाँ पर यहाँ पर गुण हो गया ना, यहाँ कोई ना गुना तो एक बोल सकते हैं, एक ही ले जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो माइनस एक हो जाएगा, एक से काटेंगे तो फिर एक क्या होगा, फिर माइनस का माइनस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना बोरा 10 60 के मान, 10 60 के मान, 10 60 के मान कितना होता है रूट 3, तो रूट 3 का सह करेंगे तो क्या होगा 3 होगा ना होगा। बोला 44 नंबर क्वेश्चन, बोला कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो बता सकते कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो मान ले वहाँ पर कोस थीटा बटा साइन थीटा मार दे। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कोस कोसेक 90 माइनस थीटा, देख कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, देखने वहाँ सूत्रबा देख है लिखा नहीं छुआ में, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है। और अगला बोल रहा है क्या मेरा, अगला बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता होता है, अब हम जानते हैं कोस का सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos क्या होता है 1/cos, यहाँ भी कोस से है कट गया, तो कितना आया वो एक, कितना आया एक ना आया एक। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है अभी 46, कोस से पता ही डिग्री मान, तो कोस से पता ही मान क्या होता है रूट 2 होता है, देख ले कोस से पता ही मान क्या होता है रूट 2 क्या होता है, और सेक 45 का मान भी रूट 2 ये होगा, कहाँ भाग गया सेक कितना होता है रूट 2 ये होता है ना, तो बस यहाँ हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अगला बोला क्वेश्चन नंबर 47, वो क्या बोल रहा है 10 65 बटा कोट 25, यानी बोल रहा है 10 65 बटा कोट 25, यानी बोल रहा है जब दोनों जगह पर 90 पूर रहा है तो एक होगा, कितना होगा एक, कितना होगा एक होगा, अगर कैसे बनाना है तो बदल के एगो को किसी को बदल दो, ऊपर या नीचे वाला बन जाएगा अपने। अगला बोल रहा है कितना 48 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है 10 थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो नहीं बना पाएगा, 10 थीटा बराबर कितना है 3/4 कितना है, तो 10 थीटा बराबर 3/4, तो ये हो गया पी मेरा, पी बटा बी होता है ना, पी हो गया बी हो गया, तो एच निकालेंगे तो आएगा 5, तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, क्या होता है, तो पी मेरा कितना हो गया, तो पी मेरा हो गया 3 कितना हो गया, आई एच कितना निकाले 5, 3/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना 49, बोल रहा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बराबर हो, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या होगा, तो देखिए हाँ बी प्लस सी है ना, यानी ए गायब है तो ए वाला खोई लेना है, कौन ला खोना है, ए वाला खोना है, कौन ला खोना है, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर हो जाएगा कोस, साइन को घटाते तो कोस आता है ना, देखा यहाँ पर कहाँ भाग गया, साइन को घटाते क्या आता है कोस, क्या आता है तो हो जाएगा कोस, कौन ला हो जाएगा, ये कैसे बनेगा, तो थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा ना होगा, लेकिन तुम लोग को बता दिया वहाँ पर जाकर, ठीक है ना, तो तुम लोग को यहाँ खोना है कि देखना है साइन बी प्लस सी है तो एक वाला खोना है, क्या खोना है, आज कुछ किस में खोना है, तो साइन में दिया रहेगा, ठीक है ना, तो कोस में खोना है, कैसे खोना है, अगर कोस में दिया रहेगा तो साइन में खोना है, सेक में दिया रहेगा तो कोसेक में खोना है, कोसेक में दिया रहेगा तो सेक में खोना है, समझ गए, तो यहाँ पर दे ले को चिप साइन में दे ले तो कोस में खो, तो कोस ए बटा 2, कोस ए बटा 2, समझ तो आया। अगला कोस ए बराबर 1/2, कोस ए बराबर 1/2, तो बोरा 1 - 2 कोस उसका बराबर कितना होगा, तो इसमें भी निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर यहाँ कुछ होना है, बोरा है क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है 50, कितना है 50 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है क्या कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या है 1/2, क्या है 1/2 है, तो बोरा 1/2 कोस स्क्वायर ए, यानी बोल रहा है 1/(1 - 2) को स्क्वायर है, तो 1 का 1 - 2 का 2, देख कोस ए का मान कितना है 1/2, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और दूसरा 2 काट देख कितना बार बनते हैं, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा आधा बचेगा ना बचेगा। चला अगला देख क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, बोल रहा है कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर है बंदर, ध्यान दे कोस थीटा बराबर, तो ध्यान ध्यान दे कोस थीटा बराबर बोल रहा है, तो ऑप्शन हम दे ले यहाँ दे ले, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 1 - sin² हो जाएगा होगा रे, लेकिन कोस थीटा बराबर पूछा है ना, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा रूट, क्या जाएगा, तो √(1 - sin²θ) होगा, √(1 - sin²θ) यानी बी नंबर हो जाएगा ना हो जाएगा। अगला बोरा 52, बोरा थीटा बराबर 3 डिग्री, थीटा बराबर तो 2 cos 2θ क्या होगा, बोरा है 2 cos 2θ, तो यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री दे कैसे दे, तो 30 डिग्री कितना हो गया 60, कितना हो गया, तो हो गया कोस 60, कितना हो गया, और 2 के 2 हो गया, तो 2 गुना कोस 60 के मान कितना होता है, यही बता दे, तो 1/2, अरे देखना कोस 60 के मान नहीं दिखाई दे रहा,
कोस आर का मान कितना था 1/2 कितना आता दूसरा दुख खत्म थे एक आ गया कितना आ गया एक अगला बोल रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर आपने देला है ना बराबर 1 तो थीटा मान क्या होगा देख यहां पर देला है क्या 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो 2 इधर भेज दे तो 1/2 हो जाएगा तो cos 3 थीटा cos 3 थीटा बराबर कितना होगा 1/2 कितना हो गया 1/2 cos कितना नहीं मान 1/2 होता cos 60 डिग्री मान कितना होता है cos 60 डिग्री में cos से cos खत्म तो थीटा 3 थीटा बराबर कितना हो गया 60 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 से भागा दे देंगे इसमें तो 20 आएगा कितना आएगा 20 समझ लो क्या अगला क्वेश्चन देखो चलो cos 90 माइनस थीटा तो cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है क्या होता है sec थीटा होता है अगला बोल रहा है 55 नंबर sec 70 sin 20 और फिर cos 20 cos 70 यानी बोल रहा है देख इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा इसमें क्या करेगा एक बदल देना क्या करना देख यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्या बोल रहा है sec 70 क्या बोल रहा है sec 70 sin 20 sin 20 प्लस cos 20 cos 20 cosec 70 cosec 70 यही है ना देख यहाँ पर ये प्लस किधर देख अब प्लस के इधर यहाँ ध्यान दे इसमें एक को बदल दे एक को बदल दे तो sec को बदलेंगे तो sec sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या cos थीटा होगा होगा ना sec 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा तो यहाँ जाएगा cos कितना 70 है 70 20 90 हो गया समझ लो क्या सॉरी sec 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ना होता sec 90 माइनस थीटा बराबर होता cosec थीटा होता देखो sec 90 माइनस थीटा बराबर तो यहाँ लिखना है cosec क्या लिखना है cosec थीटा तो cosec कितना 20 20 क्योंकि 70 20 90 आ इसको छोड़ देना है क्या करना है छोड़ देना है छोड़ दीजिए ना फिर यहाँ पर एगो छोड़ दे cos 20 को मान लो छोड़ दिए हम जानते हैं cos 90 cosec यहाँ जानते cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ देखना sec थीटा क्या होता है तो यहाँ sec थीटा लिखेंगे तो sec और sec थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ 70 है ना 70 20 90 70 20 अब देखिए यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा देखिए यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा कितना होता है 1 कितना होता है तो इसका भी मान 1 उसके बाद sec थीटा इंटू cosec थीटा देखिए यहाँ पर कहाँ है sec थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है 1 कितना होता है 1 तो 1 गुना 1 1 हो गया आंसर समझ लो क्या बेटा ए अब तो बेटा जाके के गोटा का बैठ बतला यहाँ बैठ गया कि ग्रेडेशन सब अलग देख क्वेश्चन में कितना है 56 क्या बोल रहा है cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 तो sin स्क्वायर a प्लस sin 4a बराबर कितना होगा sin 4a प्लस sin 4a बराबर कितना देखा पर हम सेम टू सेम वही लिखे cos से खाली करके साइन है यहाँ स्क्वायर है तो खाली मतलब उधर स्क्वायर कर दिया कर दिया ना इसका मान 1 मार देना है क्या मार देना है ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में फालतू में बड़ा करने को फायदा ना है इस तरह क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना है एग्जाम में समझ तो आ गया ना समझा तू लो रे ऐसे कैसे होगा तो जानता है ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कैसा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर बदल जाएगा 2 साइन है इंटू कोस आएगा तो कट के हो जाएगा मेरा एक हो जाएगा बन जाएगा लेकिन बड़ा हो जाएगा फालतू ने बनाना है 57 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होता है निकाल लेगा ना निकाल पाएगा अभी बताए थे कितना बताया अभी इस तरह क्वेश्चन बताए थे कितना क्वेश्चन था तो 53 और देख 53 57 सेम है बिजली नहीं आया था आ रहा है अगर आप बोला कोट 60 डिग्री मान तो कोट 60 डिग्री मान कितना होता है कोट 60 डिग्री मान होता है 1/√3 आ रहा है कोट 60 डिग्री मान कोट 60 डिग्री मान 1/√3 1/√3 बस बन गया अगर आप बोला कोस 1 कोस 2 कोस 3 देख 170 दे दिया है ना इसका मान कितना होता है हम जानते हैं कोस 90 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है तो बीच में तो 90 भी करेगा बिचार 90 ना आएगा बिचार तो 90 करेगा और 90 डिग्री मान कितना था 0 कितना होता है पगल बाद सबके देगा भाषण कर देगा ना कर देगा सबके देगा 0 कर क्या कर देगा क्योंकि गुना में है ना इसलिए 0 हो जाएगा क्या जाएगा अगला बोल रहा 60 डिग्री मान साइन 61 और साइन 61 और साइन 29 ये बोल रहा है ना दोनों जोड़े पर 90 पूर रहा है ना पूरा बोल ना 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 यहाँ पर देख यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा यहाँ पर 90 पूरा खाली उससे नहीं मार देना है लेकिन दोनों साइन है दोनों क्या है एगो साइन है कोस में रहेगा तब ना दोनों क्या है साइन है क्या है तो एगो बढ़ लेंगे एगो क्या करेंगे तो एगो ऊपर हो जाएगा कोस तो फिर कटेगा कहाँ एगो कोस हो जाएगा साइन कटेगा नहीं कटेगा दोनों देखे एकदम सेम टू सेम है दोनों क्या है यहाँ पर क्या है साइन 61 साइन 60 और फिर क्या है फिर है साइन 29 साइन 20 दोनों सेम है तो ना होगा 1 दोनों सेम है तो 1 तो एगो बढ़ लेंगे एगो किसी को बदल दे मान लो कि हम इसी को बदल दे उसी को बदल दिया ना तो जाएगा साइन 61 साइन 60 और साइन को बदलेंगे तो साइन बदलता है कोस में साइन कैसे बदलता है साइन बदलता है कोस में कैसे बदलता है तो यहाँ जाएगा कोस क्या जाएगा आई 61 में कितना जाएंगे तो 90 होगा बता तो 29 कितना जाएगा तो साइन थीटा बटा यहाँ ध्यान दे यहाँ पर ध्यान देना है साइन को बदल रहा है ना कहाँ भाग गया हाँ सॉरी इसको बदल रहा है हम इसको बदल रहा है ना तो 29 में कितना जाएंगे तो बता 29 में कितना जाएंगे तो 90 होगा बता 61 कितना आ जाएगा आप साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा क्या होता है और 61 क्या 61 समझ लो क्या जाएगा जब सेम टू सेम ऊपर नीचे रहेगा तब कटेगा नहीं
अलग अलग रहेगा तो नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, यदि यदि 10 θ 12 5 10 θ 12 5 तो बोल रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसका क्वेश्चन बहुत बताए थे, कर लेना वही पी बाय एच करना है, पी बाय बी करना है, पी का मान 12 h और पी का मान 12 और बी का मान 5, तो एच का मान कितना 13 निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाय एच क्या होगा, तो यानी 12 / 13 हो जाएगा। समझ लो आया, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, इसमें मान रख देना ठीक है, 30 डिग्री मान रख देना है, अपने निकल जाएगा। समझ तो लोग आ गया ना, ऐसा निकाल ले वहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देख, बोल रहा 10 15 डिग्री 10 20 10 70 10 75 सब देख गुना में है, टेन है, टेन कोट में रहेगा ना, गुना में रहेगा क्या रहेगा, तो सब गुना में है, अब गुना में है तो बता सबके जो 90 हो रहा है, 15 75 90 हो रहा है, 20 97 हो रहा है, तो ये किसका इसका मान क्या होगा, एक समय तो लोग आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है सेक के बराबर कोसेक भी, तो सेक और कोसेक कब बराबर होता है ये बता दे, तो सेक और कोसेक 45 पर बराबर होता है। देख लो यहाँ पर सेक और कोसेक कितना पर बराबर है, 45 पर बराबर है ना, यानी पता चल गया कि मेरा यहाँ मेरा यहाँ पर ए और बी का मान कितना है, 45 कितना है, तो बोल रहा है ए प्लस बी क्या होगा, तो 90 होगा ना, होगा 90 रे, बताए 45 कितना 90। 65 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 cot θ = 3 5 cot θ = 3 यही बोल रहा है ना। अब देखें यहाँ पर कोट बराबर क्या जाएगा, ये बता, तो जाएगा 3/5 ना हो जाएगा, हम जानते हैं कि बी बाय पी होता है, क्या होता है बी बाय पी होता है, तो बी का मान 3 और पी का मान कितना 5, यही आ गया ना, यही आ गया ना। तो देख इसको और हम शॉर्ट में बता देते हैं, कोट बराबर क्या होता है, तो कोट बराबर हम पढ़ाए तुम लोग क्या, यहाँ 3/5 है ना, और इसको कोट बराबर हम पढ़े थे क्या, कोट बराबर हम पढ़े थे क्या, कोस थीटा बटा साइन थीटा पढ़े थे, अरे पढ़े थे कोस थीटा बटा साइन थीटा पढ़े थे, तो कोस थीटा मान कितना हो गया 3, साइन थीटा मान कितना हो गया 5, बस यहाँ मान रख देना है, साइन के यहाँ पर क्या लिखना है 5 रखना है, और कोस के यहाँ पर कितना रखना है 3, कितना रखना है, समझ तो लोग आ गया, देखिए यहाँ पर रख देगा अपने निकल जाएगा, अपने क्या होगा निकल जाएगा ठीक है, जिसका आंसर आएगा 16/29। अगला देख, बोरा साइन एक्स डिग्री बराबर क्या, साइन अल्फा डिग्री क्या, साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा यहाँ तीनों बराबर दे ले, ये तो कुछ गलत दे ले क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत है, क्यों गलत है, तो साइन एक्स डिग्री बराबर साइन अल्फा दो बार दे दिया बराबर, दो बार देगा, कुछ अलग देना चाहिए, देना चाहिए अंडे, तो यहाँ कुछ गलत दे ले ठीक है ना। अगला देख 67 नंबर क्वेश्चन, बोरा √3 tan θ बराबर 3 sin θ, तो बोरा साइन θ माइनस कोस θ का मान बताओ, यानी बोल रहा है क्या, यहाँ अंडे 67 नंबर बोल रहा है √3 tan θ = 3 sin θ, यही होगा ना। अब तुम लोग दिमाग लगा कि 10θ बराबर क्या होता है, sin θ / cos θ होता है, 10θ बराबर sin θ / cos θ यही होता है एंड, और साइन इधर आएगा तो नीचे में चल जाएगा, बराबर क्या होगा 3 क्या होगा, और √3 को इधर भेज दे, भेज सकते हैं, जल्दी बता, भेज सकते हैं, अरे साइन से साइन खत्म, और √3 भी इधर भेज दिए, अब बता यहाँ पर 1/cos क्या बचा, ऊपर हम कुछ नहीं तो हुआ, नीचे में कोस है तो 1/cos बराबर क्या होता है sec, क्या होता है sec थीटा होता है, और 3 से √3 काटेंगे तो आएगा √3 ना आएगा, यहाँ पर 2 को √3 है ना, काटेंगे तो √3 आएगा, sec कितना डिग्री मान √3 होता है, sec के मान पर √3 में होता है, देख ना होता है ना, हाँ भाग गया। √3 tan θ बराबर 3 sin θ ठीक है, साइन इधर आया तो sin θ / cos θ कट गया, तो 1/sin θ बराबर इधर गया तो इधर कट गया, √3 sin θ बराबर √3 sin θ बराबर √3 होवे नहीं करता, कहीं गलत है क्वेश्चन ठीक है ना। अगला देख क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, बोल रहा sin 7 sin 7 sin 7 sin 7 θ प्लस 3 cos θ बराबर कितना है 4 कितना है, ये कुछ इस तरह क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनाना है, फालतू में खाली बड़ा होगा क्या होगा, ये देना चाहिए तुम लोग को 4 नंबर में देना चाहिए, कितना नंबर देना चाहिए 2 नंबर या 5 नंबर देना चाहिए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 69 बोरा 10 α + β बराबर कितना √3, तो बोरा 10 α = 1/√3, तो 10β बराबर कितना होगा, 10β बराबर देखा पर 10α कितना दिले 1/√3, 10α बराबर कितना दिले, तो 10 कितना नहीं मान 1/√3 होता है 3 डिग्री मान, 10 कितना नहीं मान 1/√3 होता है, तो अल्फा मान कितना होगा 3 डिग्री कितना हो गया, अल्फा मान 30 हो गया अंडे, तो बोरा 10α = 1/√3, तो अल्फा मान कितना हो गया 30 कितना हो गया, तो बोरा बीटा, तो बोरा यहाँ पर और यहाँ बोल रहा है क्या 10α + β बराबर कितना √3 है ना बोल रहा है, तो 10α + β √3 क्या लिखेंगे, 10 60 लिख सकते हैं, बता 10 खत्म हो गया, तो α + β बराबर कितना हो गया 60 कितना हो गया, और अल्फा मान अभी निकाले थे कितना 33 बोले थे नहीं बोले थे, क्योंकि 10α = 1/√3 दिला है, तो अल्फा मान कितना हो गया 30 कितना हो गया, तो यहाँ रखेंगे 30, तो बीटा भी कितना हो जाएगा 30 से ना होगा, तो बीटा बराबर तो 30 हो जाएगा घट जाएगा, तो 60 में से 30 जाएगा कितना 30 कितना आया 30 ना आया। क्वेश्चन नंबर अगला
70 बोरा यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी में कौन ए तथा कौन बी पूरक है, पूरक मतलब समझता है, पूरक मतलब दोनों के जोड़ने पर 90 हो जाए, दोनों जोड़ने पर क्या हो जाए, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, कितना होगा तो बता। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, जिसमें ए और बी को कितना हो रहा है 90, कितना हो रहा है, तो कौन सी अकेला 90 होगा, तब ना तीनों को जोड़ के 180 पूरेगा, तो सी कितना हो गया अकेला 90, कितना हो गया, तो कोट सी का मान पूछा, तो कोट सी यानी कोट 90 के मान, तो कोट 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 किसके बराबर होता है, टेन तीस के मान या कोट 60 के मान, देख क्या दिल है, तो यहाँ पर दिल है क्या 10 30 दिल है, हाँ दिल है, तो डी नंबर मार दे, समझ लो आया। 72 नंबर बोरा √2 cos θ = 1, तो थीटा मान बताओ, तो √2 cos θ = 1 दिल है, तो cos θ = क्या होगा 1/√2 होगा, और कोस कितना लिख मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री मान होता है, कितना होता है देख ले, यहाँ 45 डिग्री मान कितना 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45। 73 नंबर sin 45 + cos 45 का स्क्वायर बोरा बोरा ना sin² 45 cos² 45, तो sin 45 + cos 45 मान कितना होता है 1/√2, कितना होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऐसा दिमाग लगा ना, यहाँ दिला 45 यहाँ दिला 45 दिला है ना, तो अगर sin² θ + cos² θ कितना जाएगा 1 हो जाएगा, मान रखे ना निकाल तब भी 1 है, सभी निकाल तब भी 1। 74 नंबर क्वेश्चन देख सब क्या है, टेन में है और कोट में है, सब गुना में है ना, और जोड़ने पर 90 आ रहा है 25 70 90 20 65 90 आ रहा है, कितना समझ तुम लोग आया रे। अगला यदि 2θ = 60, तो 2θ के मान है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 30 होगा, तो sin 30 के मान पूछ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 कितना होगा। अगला 77 नंबर cos θ = x cos θ = तो sec θ = कितना होगा, तो cos का उल्टा होता है तो 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/x। 77 नंबर यदि cosec θ = 5/3 तो cot θ = क्या होगा, cot θ = तो निकाल लेगा cosec θ का मान क्या होता है, होता है मेरा h by p हो गया 5, p हो गया 3, तो b निकालेगा तो होगा 4, कितना होगा, और cot θ = क्या होता है, cot θ = होता है मेरा b by p, तो यहाँ पर b कितना निकाला, अभी 4 निकाले थे, और p हो गया 3, 4/3, समझ लो क्या आया। अगर 78 नंबर देख साइन और कोस दोनों अलग अलग है, अलग अलग है नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो क्या होता पता है, तो इसको चेंज करते हैं, तो साइन में टेन आता है कोट आता है, लेकिन नहीं मिल रहा है, और दोनों जगह पर 90 हो रहा है, तो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना देखें, यहाँ बनाए भी बदल लिया, बदल लिया है ना नीचुआ ना बदल लिया है, तो वही अगला देख क्वेश्चन नंबर 79 बोरा 1 + tan θ 1 + tan² 10 को उधर भेज दे, किधर भेज देंगे, तो 1 + tan θ = क्या होगा sec² क्या होगा sec² सूत्र बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ओटीपी से पूछता है, समझ आ रहा है। अगला देख कितना है 1 + cot θ 1 + cot² तो देख कोट को उधर भेज दे, कोट को उधर भेजेंगे तो जगह 1 + cot θ = क्या होगा cos² θ 17 पूछ रहा है डायरेक्ट ना पूछ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन 2 sin a = √3 तो 2 को इधर भेज दे तो √3/2 हो जाएगा, साइन कितना डिग्री मान √3/2 होता है, 60 डिग्री मान कितना होता है 60 हो गया, समझ तो आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बनाना, उठा पटकेंगे। अगला बोल रहा है क्या cos a = 4/5 तो 10a का मान बताओ, देखो फिर यही करेंगे तो cos का मान क्या होता है, होता है मेरा b/h तो b देखें देख ले क्या अरे बंद इस सब क्वेश्चन तो कितने बार बताए थे cos a = 4/5 यानी दे रहा है तो b/h हो गया, बी का मान 4 h के मान 5 तो p का मान निकालेंगे तो आएगा 3 कितना आएगा 3 पाइथागोरस पर मैं निकाल लेना है ठीक है ना। बोला 10a का मान तो 10a बराबर क्या होता है p/b क्या होता है तो p कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 4 तो 3/4 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन नंबर 83 गोरा cos π/3 तो पाइक मान 180 पाइक मान यहाँ पर त्रिकोणमिति में बता रहा है इन्हें पाइक मान रख देना तुम्हें 5/7 तो उठा पटकेंगे त्रिकोणमिति में कोण में बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं तो पाइक मान होता है 180 कितना होता है तो cos 180/3 380 भागा रहे कितना आएगा 60 कितना आएगा तो cos 60 √1/2 समझ लोग आया। अगला 84 नंबर क्वेश्चन बोरा sin 90 - 43 तो हम जानते हैं कि sin 90 - θ यहाँ sin 90 - θ को थीटा होता है तो यहाँ 43 है क्या है यहाँ थीटा था तो थीटा लिख दिए यहाँ 43 है तो क्या लिखेंगे 43 यानी cos 43 हो जाएगा क्या जाएगा cos 43 समझ तुम लोग आया तुम लोग को समझ यहाँ पर गलती दिला ठीक है ना 43 होना चाहिए ऑप्शन में 4 को ऑप्शन नहीं दिले कहीं 43 होना चाहिए ठीक है ना सी नंबर में 45 ना 43 होना चाहिए कितना होना चाहिए 43 क्योंकि यहाँ 43 है 43 होना चाहिए समझ तुम लोग आया रे बंदर। अगला अगर हाँ अगर क्वेश्चन में यहाँ कर देगा 45 तो ये भी 45 सही हो जाएगा तो कोई कहीं एक जगह सुधारना पड़ेगा ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है किसका मान 0 के तो sin 90 √1 होता है cos 90 मान होता है 0 होता है ना तो b हो गया कौन हो गया b। अगला sin θ = sin θ sin को क्या होता है तो cos से क्या होता है तो sin θ = क्या होगा 1/2
कॉस सेक थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा अगर मेरा बी नंबर सही। अगला सेक कॉस थीटा माइनस वन, देखा पर यहाँ सेक कॉस थीटा माइनस वन को इधर बुला देते तो सेक कॉस थीटा माइनस वन बराबर क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर सुधर में खरी उल्टा पुलटा कर रहे हैं ना कर रहे हैं। फिर बोला 28 नंबर क्वेश्चन सेक कॉस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखा पर सेक कॉस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या वन क्या होगा वन, तो वन मार देना है। 89 नंबर क्वेश्चन रूट थ्री टेन थीटा बराबर वन, तो थीटा मान बताओ यानी बताए तो टेन थीटा रूट थ्री टेन थीटा बराबर वन, तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा रूट थ्री किधर भेज तो वन बटा रूट थ्री वन बटा और कितना डिग्री मान टेन कितना डिग्री मान वन बटा रूट थ्री होता है 30 डिग्री ना होता है तो 30 हो गया कितना हो गया। अगला बोल रहा है टू थीटा बराबर पाई बाय थ्री, टू थीटा बराबर पाई बाय तो टू थीटा बराबर पाई बाय थ्री यानी बोल रहा है तो टू थीटा पाई मान कितना 180 तो पाई बाय थ्री यानी 180 बटा थ्री यानी 60 चलो टू थीटा बराबर कितना हो गया 60 कितना हो गया टू थीटा बराबर कितना हो गया 60 थीटा बराबर कितना 30 हो जाएगा ना हो जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या तो बोल रहा है साइन थीटा मान बताओ साइन तीस के मान बताओ तो कितना होगा वन बाय टू कितना होगा सब तो लुका है। अगर बोल रहा है टाइन टेन पाई बाय टू क्या बोल रहा है टेन पाई बाय टू के मान तो पाई माने कितना 180 में 200 भागा रहे कितना 90 तो 90 मान कितना होता है इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी होता है क्या होता है हमको लगता है यहाँ देखा। अगला बोला साइन पाई बाय फोर और कोस पाई बाय फोर पाई मान कितना 180 कितना 180 तो पाई बाय फोर करेंगे तो 45 हो जाएगा तो साइन 45 और माइनस कोस 45 हो जाएगा दोनों 45 के मान वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू तो घट जाएगा तो जीरो क्या होगा 45 पर सेम नहीं होता है अरे समझ तो लगा आया आ गया गरिया उठा हल्ला करने। अला देख क्वेश्चन में 93 क्या बोल रहा है वन प्लस कोटो थीटा वन प्लस कोटो स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस इंटू वन माइनस कोस थीटा किसके बराबर है यानी बोल रहा है पहले देख यहाँ पर वन प्लस कोट थीटा सूत्र में क्या बोल रहा है देख यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा और फिर बोल रहा है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी बोल रहा है तो वन प्लस कोट थीटा देख यहाँ पर वन इधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा क्या होगा इस तरह क्वेश्चन तुमको बता चुके हैं पहले भी आ रहा है और फिर वन माइनस कोस थीटा तो वन माइनस कोस ई जाएगा तो माइनस हो जाएगा अरे कोस उधर जाएगा तो माइनस ना होगा तो वन माइनस कोस थीटा कोस थीटा बराबर क्या साइन स्क्वायर हो गया अरे वर बंद और कोस थीटा क्या होता है साइन क्या होता है साइन होता है पता है और यहाँ साइन तो दोनों कट जाएगा वन आएगा कितना आएगा वन समझ तो आया क्वेश्चन में कितना 94 देख यहाँ पर दोनों उल्टा पुलटा है एगो कोस में एगो साइन में है ऊपर में कोस दिशा में साइन और देख दोनों को जोड़ने पर हो रहा है तो ये कितना होगा समझ लो क्या गया रे 95 नंबर क्वेश्चन देख यहाँ गुना में ना है ना कि यहाँ एक मार देना बता साइन 18 डिग्री और साइन 72 है ना किसी को एक को बदल दे 95 नंबर क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री है यानी किसी एक को बदल दे ठीक है ना चलो इसको हम बदल लेते हैं तो साइन बदलता है कोस में साइन बदलता है अगर घटाते तो कोस में बदलता है साइन कैसे बदलता है कोस में कैसे बदलता है तो यहाँ साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 18 डिग्री और साइन को बता 72 में कितना जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा बता 18 कितना तो यहाँ लिख देंगे कोस क्योंकि साइन बदलता है कोस में 18 के 18 स्क्वायर हो गया अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना वन हो गया वन समझ लो क्या आया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना है 96 कितना है इसमें देख इसमें क्या है इसमें है कोस 48 कितना है 96 क्या कोस 48 कोस 48 माइनस माइनस है साइन 42 साइन किसी एक को बदल दे क्योंकि हमको इसका मान थोड़े पता है नहीं पता है किसी एक को बदल दे चलो इसको बदल लेते हैं या इसी को किसी को बदल दे कोई दिक्कत ना है तो इसको बदल दे कोस बदलता है साइन में कोस बदलता है कोस नीचे देख कोस बदलता है साइन में तो यहाँ बदल जाएगा साइन क्या जाएगा 48 में कितना चलेंगे तो 90 होगा तो 42 कितना होगा यहाँ हो गया साइन साइन 42 हो गया तो साइन 42 माइनस में खत्म बराबर 0 समझ लो आया इस तरह क्वेश्चन नहीं तो नहीं बनेगा बंद। अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर यदि ए बराबर 30 डिग्री ए बराबर तो कोस ए बराबर कितना तो कोस 30 डिग्री मान कितना रूट 3/2 ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 98 रूट टू कोस थीटा बराबर वन रूट टू कोस थीटा बराबर तो कोस थीटा बराबर क्या होगा 1/√2 ना होगा और कोस थीटा मान 1/√2 तो 45 के मान 45 हो जाएगा कितना हो जाएगा 45। 99 नंबर क्वेश्चन साइन थीटा बराबर कोस थीटा साइन और थीटा साइन और कोस का बराबर होता है 1/√2 यानी 45 डिग्री पर 45 हो जाएगा क्या जाएगा 45 ना होगा 45। अगला 100 नंबर यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस बराबर क्या होगा तो 3/4 साइन ए बराबर 3/4 बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 हो गया तो पी बाय एच पी बाय तो पी का मान इतना एच के मान इतना तो बोल रहा है किसका मान पूछ रहा है रे कोस से किसका पूछ रहा है तो कोस बराबर क्या होता है बी बाय एच क्या होता है
तो एच कितना है चार, यानी नीचे चार आएगा फिक्स हो गया, नीचे चार आएगा फिक्स हो गया, नीचे हम चार देख सबका है ना। तो अब निकालना पड़ेगा बी, क्या निकालना पड़ेगा बी कैसे निकालते हैं पाथागोरस प्रमेय से, कर्ण के स्क्वायर में से यानी बरका में छुटका घटाते हैं तो एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एस का स्क्वायर करेंगे कितना छोड़ ले कितना, और तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ कितना, तो सोलह में से नौ जाएगा सात कितने रूट अंडर सात आएगा कितना आएगा, तो ऊपर में होगा रूट अंडर सात यानी रूट अंडर सात बटा चार, रूट अंडर सात बटा चार। क्वेश्चन नंबर 101, 101 तक पहुँच गए, टेन थीटा बराबर रूट थ्री, टेन थीटा बराबर रूट, तो टेन कितना डिग्री रूट थ्री होता है, साठ डिग्री मान साठ हो जाएगा, कितना जाएगा साठ, समझ तुम लोग आया, देख रहा तुमको मित्र कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्लाह पढ़ना लिखना घर में ना। 102 नंबर, यदि रूट थ्री, रूट थ्री टेन थीटा बराबर वन, यह पूछ रहा है ना, तो रूट थ्री किधर भेज दे, तो क्या जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा रूट थ्री, वन बटा रूट टेन, टेन कितना डिग्री मान वन बाय रूट थ्री होता है, तीन डिग्री मान ना होता है, तो तीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर आप बोल रहे टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन ए बराबर देख यहाँ पर टेन ए बराबर कहाँ भाग गया, टेन ए बराबर तो टेन नाइन्टी माइनस ए बराबर कोटे हो जाएगा, तो कोटे क्या होगा ना होगा, तो यहाँ पर तो कोटे तो यहाँ पर नहीं दिले है, यहाँ पर बोलो टेन ए बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा मेरा कोट नाइन्टी माइनस ए, अरे यहाँ ए दे तो यहाँ ए हो जाएगा, तो कोट नाइन्टी माइनस ए, कोट नाइन्टी माइनस, अगला बोल रहा है 104 नंबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ये तो तुम लोग को बदलना बताइए किए थे, कोसेक स्क्वायर ए यानी बोल रहा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो देख कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, असल अथी हम दिले है, देख यहाँ पर इसको हमने कोसेक उल्टा क्या होता है जल्दी बता दे, कोसेक उल्टा तो वन बटा साइन स्क्वायर है होता है, अच्छा तो चार ऑप्शन में, चार ऑप्शन में काट के देखना, चारों को ऑप्शन दे ले ना, चारों काट के देखो, चारों काट के देखो किसमें आएगा कोसेक स्क्वायर ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पकड़ ले, ऐसा देख ले यहाँ पर हम लिख दिए कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है वन बटा साइन स्क्वायर होता है, होता है ना, अब वन को देखें साइन स्क्वायर एक बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो इधर जाएगा तो वन माइनस कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ वन माइनस कोसेक स्क्वायर, और किसके नीचे वन माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर खाली ऑप्शन नंबर सी में है ना, अब बोलेगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में ऊपर में यहाँ पर एक है लेकिन ऊपर में यहाँ एक ना है, ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ना होगा तो एक बराबर ना होता है, एक बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ना होगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इसके जहाँ पर ले सकते हैं हम भी क्योंकि एक इसका मान भी क्या है, एक क्या है ना, बस सी नंबर सही हो गया, समय तो लुकाया, अगर अगर देखें आप ऑप्शन नंबर सी हम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं इसका मान कितना तो ए कितना, इसका मान कितना तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए, इसका उल्टा कर वन बटा साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो ये आ गया, ये आ गया ना, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं उल्टा करके, समय आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना 105, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर तो कोस बराबर कितना होगा, कोस बराबर देखें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कोस बराबर क्या होगा, तो यही सूत्र पर लगाना है, देखें आप कहाँ भाग गया, हाँ यहाँ रहे कोस बराबर कोस, तो कोस बराबर क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर कहाँ पर है कहाँ भाग गया, कितना नंबर क्वेश्चन था है ना, तो कोस ए बराबर यहाँ बोल रहा है ना, तो यहाँ ए दे दे क्या दे दे, तो जगह साइन 90 माइनस थीटा तो साइन 90 माइनस बी, यहाँ ए रहेगा तो यहाँ बी होगा, यानी साइन साइन बी होगा, कहाँ पर साइन बी क्या होगा सी नंबर होगा, क्या होगा ए प्लस बी 90 डिग्री, ए प्लस बी जब भी रहे तो कोस ए बराबर कितना, कोस ए बराबर तो साइन बी समझ आ गया ना, अगर रहेगा कोट ए बराबर तो टेन बी होगा, अगला देख थ्री थीटा बराबर 90, थ्री थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना तो 30/3 यानी कितना 30 डिग्री ना हुआ, थीटा मान हो गया 30 कितना हो गया, अब बोल रहा है कोस थीटा बराबर बता दो, कोस थ्री डिग्री मान कितना होगा, कोस थ्री डिग्री मान होगा रूट थ्री बाई टू ना होगा, कर बोल ना जान बड़े एकदम है, अगला क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है, कोस ए बराबर एक्स, कोस ए बराबर तो टेन ए का मान बताओ, टेन ए का यहाँ बोल रहा है कोस ए बराबर एक्स, तो टेन ए का मान, टेन ए का तो टेन ए बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो कोस ए बराबर एक्स यानी नीचे में एक्स आ जाएगा, तो नीचे में एक्स कहाँ पर है देख ले, ऑप्शन नंबर खाली एम है ना है, अब बोलेगा अगर दो में रहता था तो साइन थीटा को बदलते किसमें, तो वन कोस में किसमें बदलते हैं, हो जाता मेरा वन माइनस कोस स्क्वायर ए होता, कैसे होता है वन प्लस को यहाँ रहते कैसे होता था कि देखें आप साइन को बदल देते कोस में, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए होता हो जाता है, अब यहाँ पर वन का वन कोस का मान कितना एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो जाता, आया समझ तुम लोग को, अलग क्वेश्चन नंबर कितना 108 बोल रहा है नो नो कॉमन ले ले, इस तरह क्वेश्चन बताइए कि ये नहीं बताएं, नो कॉमन नहीं लिए थे तो नो जैसे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेकस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है वन, कितना होता है तो नो गुना एक नो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 109 बोल रहा है साइन स्क्वायर बाई डिग्री प्लस कोस स्क्वायर बाई डिग्री, देख यहाँ पर साइन स्क्वायर बाई डिग्री प्लस कोस स्क्वायर बाई डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर कितना लिए बास कितना लिए, तो एक होगा कितना होगा एक होगा सूत्र में ना, अगला क्वेश्चन नंबर कितना 111 सब ध्यान दे रहा है अरे जानवर तू मुझे कह रहा है, यदि टू कोस ए बराबर, यदि टू कोस ए बराबर रूट थ्री तो ए का मान बताना है, तो टू को ये पार भेज तो क्या जाएगा कोस ए बराबर हो जाएगा मेरा रूट थ्री बटा टू, रूट थ्री बटा टू ना होगा रूट थ्री बटा टू, तो रूट थ्री बटा टू कितना डिग्री मान होता है कोस कितना डिग्री मान होता है
30 कितना होता है 30 मारना है 112 नंबर। यदि 3 को थीटा बराबर 90 है, 3 को थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, तो 20 इसके मान कितना, तो 1/√3। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, साइन 45 कोस 45, साइन 45 कोस मान रख दे, तो साइन 45 का मान 1/2, कोस 45 का मान 1/√2, दोनों को 1/√2 हो जाएगा। इधर 30 का मान रख दे 1/2 सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 100 साइन 70 के मान, साइन 70 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 20, तो कोस 20 कितना होगा, समझ तो आ गया, तो वहाँ 20 होगा, क्या होगा। अगला 115 नंबर 8 को मान ले लेते, 8 आंसर हो जाएगा, वहाँ 9 को मान लिए थे ना, यहाँ क्या लेना 17 बन जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा 600 थीटा माइनस 300 थीटा बनेगा, उसका मान होता है 1 कितना होता है, तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन मैंने 116 नंबर भी है ना, 17 नंबर क्या है, तो कोस 17 माइनस साइन 73 यही है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया गया है तुम्हारा कोस 17, क्या दिया हुआ है कोस 17, कोस कहाँ भाग गया, कितना नंबर था, हाँ माइनस साइन 73 यही है ना, किसी एक को बदल देते, इसको बदलेंगे तो बदल देते, इसको बदलेगा साइन में, कैसे बदलेगा, कोस बदलता है साइन में, कैसे बदलता है तो साइन में, यहाँ 17 में कितना लगेगा तो 90 होगा, 73 कितना, और साइन 73, साइन 73 माइनस में खत्म, जीरो ना, समझ रुका गया। क्वेश्चन नंबर कितना 118, 100 तो √3 को सेक थीटा बराबर 2, तो √3 के इधर भेज दे, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा 2/√3, सो 2 बाय और सेक कितना डिग्री मान 2/√3 होता है 30 डिग्री मान, देख ले सेक कितना डिग्री मान 2/√3 होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया कितना हो गया 30 डिग्री, समझ तो आया। अरे तो क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन में 119 बोरा साइन थीटा बराबर 12/13 थे, तो बताए किए थे, तो साइन थीटा बराबर 12/13 यानी पी बटा एच, तो पी का मान 12 एच का मान 13, तो बी का मान निकालेंगे 5 कितना 5, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा बी बटा एच, क्या होगा तो 5/13, समझ लोग आ गया। बोरा सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए बराबर क्या कोसेक है, यानी कोसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक है, ठीक है। 121 नंबर साइन 50 और कोस 40, साइन 50 और कोस यानी बोल रहा है साइन 50 डिग्री और कोस 40 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर तो यहाँ ध्यान दे एक को किसी को बदल दे, किसी को क्या कर, तो मान लो हमको कोस को बदल दे, बदल रहा है ना, तो कोस 40 से कोस को बदलेंगे साइन में, तो क्या होगा साइन 50 हो जाएगा, 40 50 90 ना होगा, तो साइन 50 क्या हो गया, साइन 2 50 हो गया, तो हो जाएगा 50, यहाँ क्या क्या भरना है ना, हो गया 2 50। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 122, देख यहाँ पर दोनों से चेंज है, वो कोस में वो साइन में है, और दोनों जोड़ने पर 190 आ रहा है, तो एक होगा कितना होगा 123 नंबर, देख √3 कोस थीटा बराबर 2, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 इधर √3 किधर भेज दे, तो 2/√3 और कोस कितना डिमांड 2/√3 होता है 60 डिग्री मान कितना होता है, तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 124 बोल रहा है कोस 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री से मान रखना बन जाएगा, क्योंकि मान तो रख देगा ना, और 60 चीज़ के मान पता है तुम लोग को, बन जाएगा। 125 नंबर बोल रहा है 1 + 10² तो इसको 10 को उधर भेज दे, तो 1 + 10² है बराबर क्या जाएगा sec² है, क्या जाएगा sec² स्क्वायर ए हो गया, sec² स्क्वायर ए हो गया ना, और निचुआम क्या बोल रहा है, निचुआम बोल रहा है मेरा cosec² स्क्वायर है, क्या बोल रहा है cosec² स्क्वायर है, इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, बताइए कि तुम लोग को इसको sec² होता है cos, क्या होता है तो 1/cos² होगा, और cosec² होता है sin, क्या होता है तो 1/sin² है, क्या होगा 1/sin² ए, पलटी मारेगा तो कहाँ जाएगा sin ऊपर, और 1 नहीं तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है तो 10 थीटा, क्या होता है स्क्वायर का स्क्वायर है 10 स्क्वायर है। अगला देख क्वेश्चन नंबर कितना है 126 कितना है 10 90 माइनस ए बराबर क्या कोट है, क्या होगा कोट है, अच्छा मैं ध्यान दे रहा उठा पड़ेगा फट जाएगा ले के एक बड़े बैठ के यहाँ पर फुटबाजी कर रहा है, जब मारेंगे तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेगा, जानवर कहीं का क्वेश्चन में कितना 127 कितना है बोरा सेक स्क्वायर है प्लस 1 + cos² है बराबर, तो 1 + cos² है, देख यहाँ पर 1 उधर जाएगा तो 1 + cos² है बराबर क्या जाएगा cos² है, नीचे में cos² है, नीचे में जाएगा क्या मेरा cosec स्क्वायर ए, फिर उसी तरह बनाना जिस तरह ये बताए थे, समझा तुम लोग, तो बनाएगा तो फिर क्या आएगा, तो फिर तुम्हारा आएगा 10² है, क्या आएगा अभी नहीं बताया था इस तरह से, इसी तरह बनाया बन जाएगा। अगला देख क्वेश्चन में कितना है 10 90 - 1 क्या बोल रहा है, नहीं तो हो गया ना, और 128 नंबर बोरा कोस 60 इसको तो मान रखेगा बन जाएगा, कोस 60 का मान पता है ना, 60 30 का मान ना पता है, मान रखना बन जाएगा, फिर 129 नंबर में भी माने रखना है बन जाएगा ना, 130 नंबर में क्या बोल रहा है 2 cos θ = √3, तो 2 के इधर भेज दे, तो cos θ बराबर क्या जाएगा, क्या हो जाएगा तो √3/2 कितना डिग्री √3/2 होता है 30 डिग्री कितना होता है, देख कहाँ भागे कोस है 30 डिग्री मान होता है 30 होगा कितना होगा 30। अगला देख 130 नंबर 2 tan θ, तो यहाँ थीटा बराबर कितना है 30 कितना है, तो 30 के मान रख देना बन जाएगा नहीं बनेगा, और 30 के मान रखेगा नहीं बनेगा तो रख देना है। अगला बोल रहा है 132 नंबर 1 + tan θ, देख यहाँ पर 10 मेरा यहाँ पर है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 + tan θ बराबर क्या होगा sec² θ, तो यहाँ sec² θ होगा।
अगला बोल रहा है 133 नंबर, क्या बोल रहा है, कोस 48 कोस और साइन 42 साइन, बोल रहा है कोस 48 माइनस साइन 42, कोस 48 माइनस साइन, जैसे देखें यहाँ पर यही बोला क्वेश्चन में है ना, कोस 48 यहाँ पर खड़े 48 दे रहे, क्या दे रहे 48, यहाँ जाकर साइन 42, यहाँ 17 था 73 था तो कट के एक आया था, तो यहाँ पर भी तो 48 को बदल दे, बदलेंगे तो क्या होगा, तो 48 में कितना जोड़ेंगे, कोस 48 को बदलेंगे साइन में, तो 48 को 48 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाए बता 42, तो यहाँ 42 हो जाएगा, साइन 42 और साइन 42 घट जाएगा तो एक आएगा माइनस में एंड, तो घट जाएगा तो कितना आएगा, ये कितना आएगा समझ तो लोग आएगा, क्वेश्चन में कितना है 134, टेन थीटा बराबर रूट थ्री, तो रूट के टेन कितना डिग्री मान, रूट थ्री होता है 60 डिग्री मान, तो थीटा बराबर कितना होगा रूट थ्री, कितना होगा, अगला बोल रहा है 135 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो साइन को भेज दो, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है ना होगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा रूट के अंदर, अनुचम क्या बोल रहा है, अनुचम बोल रहा है वन माइनस कोस स्क्वायर है, कोस को उधर भेज तो क्या होगा, वन माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर है, क्या होगा साइन स्क्वायर है, होगा रे बंदर, अब स्क्वायर है तो रूट खत्म, रूट तो ऊपर में कोस है, स्क्वायर है तो रूट खत्म, तो अनुचम में साइन है, और कोस है बटा साइन है बराबर होता है कोट है, होता है तो कोट हो गया, क्या हो गया कोट, चला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोल रहा है, कोस 60 डिग्री प्लस 1, तो इसमें मान रखना बन जाएगा, मान रख लेगा ना, कोस 60 का मान कितना होता है रूट 3 बाय 2, रूट थ्री बाई टू की वन बाई रूट टू, वन बाई टू होता है समझ लोग आ गया, तो वन बाई टू रखना बन जाएगा ठीक है ना, टेन टेन 60 डिग्री मान पूछा, टेन 60 डिग्री में कितना था रूट थ्री, कितना होता है टेन 60 डिग्री में कितना रूट थ्री, रे जानवर यहाँ ध्यान देना, थोड़ा फेंकेंगे तो अभी को अभी बोलेगा नहीं सुनेंगे, चलिए ध्यान 103 नंबर, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 तो निखर लेना पी बटा एच क्या होगा, तो कोस ए का मान पूछ रहा है ना, तो पी बटा एच क्या होगा, तो कोस ए बराबर क्या होगा बी बटा एच, क्या होगा तो एच का मान कितना है 4, तो हम 4 आना चाहिए, तो देख लेना कौन होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन तुमको पहले भी बताया था रूट 7/4 ना आया था, अगला 139 नंबर, 139 बोल रहा 10 ए बराबर क्या होगा, तो 10 ए बराबर 10 ए बराबर कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस, तो कोट 90 माइनस ए मार देना ठीक है ना, 140 नंबर क्वेश्चन, कोस ए बराबर एक्स, कोस ए बराबर तो कोस ए बराबर एक्स दे ले, तो बोल रहा साइन ए बराबर क्या होगा, तो रूट देख यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होगा, देख यहाँ पर ये बंदर यहाँ कहाँ पर बनाए थे, बोल रहा है यहाँ पर क्या कोस कोस ए बराबर एक्स, कोस ए बराबर तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर जाएगा रूट अंडर वन माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, अगर साइन ए बराबर तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए होगा, स्क्वायर हटेंगे तो रूट ना आएगा, तो वही लिख दिया, अब देखें वन का वन एक्स का मान कितना, अथी कोस का मान कितना है एक्स, कितना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वन हो गया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस यानी बी नंबर सही हो गया, 41 नंबर क्वेश्चन, सेक के बराबर 5/3, सेक के बराबर 5/3 तो टेन ए का मान पूछ रहे थे, फिर वही करेंगे सेक के मान, तो क्या होता है बी बटा एच, क्या होता है तो बी का मान मेरा कितना आ गया बी बटा एच, नहीं एच बटा बी, एच बटा तो एच का मान कितना हो गया 5, कितना हो गया बी का मान कितना हो गया 3, कितना हो गया पाथा वाला परमेश निकालेंगे तो पी का मान आ जाएगा कितना 4, कितना आ जाएगा टेन ए बराबर, तो पी बटा बी यानी 4/3 4/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बोरा साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38, देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ खड़े 38 दे दिया, क्या दे दिया तो साइन स्क्वायर 38 प्लस कोस स्क्वायर 38 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा ना, आ जाएगा क्योंकि 38 का मान हमको थोड़े पता है, तो दोनों सेम है ना, सुतरवाई वाला मिल गया ना, बस हो गया 1, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर बोरा चित्र में बी से सी की दूरी बताओ, बी से सी की दूरी एगो चित्र दे ले, वो क्या दे ले यहाँ ध्यान इस तरह एगो चित्र दे ले है ना, बोरा क्या चित्र में बी से सी की दूरी यहाँ ले, यहाँ 60 दे ले, यहाँ कितना दे ले 60 दे ले ठीक है ना, यहाँ पर दे ले ए, यहाँ पर दिया हुआ है बी, यहाँ पर दिया हुआ है सी, इसका मान है 8, कितना है 8 है, बोरा बी का सी का दूरी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी बताना है, हम जानते हैं कि जो कोण दिया है उसको सामने वाला होता है पी, क्या होता है होता है ना, ये बरका तो कर्न होता है, पता है तुम लोग को 90 के सामने वाला क्या होता है कर्न, और इसका बगल वाला होता तो होता है बी, क्या होता है हो गया, तो बता पी और बी किस में आएगा, तो टेन में आएगा, तो लेंगे टेन थीटा, क्या लेंगे टेन थीटा बराबर, ऐसे कोट में भी आता है तो पी बाय बी, टेन टेन 60 का मान कितना होगा रूट थ्री, कितना होगा पी का मान कितना पता है, तो पी का मान छोड़ दे बी, क्या बोल रहे हैं बी, बी का मान कितना 8, कितना है 8, 8 रूट थ्री हो गया, पी बराबर कितना 8 रूट थ्री, तो दूरी कितना हो गया 8 रूट थ्री। क्वेश्चन नंबर कितना 44 बोल रहा है, देखा भाई साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 50 है ना, बोल रहा है यहाँ डे साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 के मान पूछा, किसी एक को बदल दे, चलो इसी को बदल देते हैं, तो बदल साइन बदलता है कोस में, कितना बदलता है कोस में, स्क्वायर का स्क्वायर 50 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 40 हो गया, तो देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहाँ पर कितना 40 है बराबर कितना होता है 1 होता है 70 बन गया। क्वेश्चन नंबर कितना 145 क्या उपरम दे लेके दे ले 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मान कितना होता है पाई मतलब 180, 180 में 4 से भागा देंगे कितना आएगा, तो आएगा तुम्हारा 45 कितना आएगा, तो 45 का मान कितना होता है 1, क्या तो क्या होता है 1 का सा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 में से 1 हो गया 0, ऊपर ऊपर 0 हो गया ना, तो सब कुछ 0, सब कुछ 0 समझ तो लोग आया। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 46 कितना
तो बोल रहा हूँ 1/√3 किसके बराबर है, तो खोई लो 1/√3 किसके बराबर है, तो 1/√3 आएगा 10 या कोट में, ये दोनों में आता है। तो देख ले 10 कहाँ, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 10 30 का मान कहाँ है, सी नंबर ना है। 10 π/6 यानी 107/6 यानी 30 डिग्री ना हो गया। क्वेश्चन में कितना 147 बोल रहा है, निम्नलिखित में 10 थीटा का मान कौन सा है, 10 थीटा का मान, तो 10 60 का मान क्या होता है, 3 बी नंबर ना हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा देखना है। तो अभी बताए थे इसका क्वेश्चन नहीं बताए थे, इसी नंबर ने बताए थे, अभी कितना नंबर में क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था तुम्हारा, कहाँ था रे, 104 में था ना, वही क्वेश्चन मैंने दे दिया है ना। अगला क्वेश्चन 149 देख, 1+10 तो कितने बार बताए थे, नहीं बताए थे, 1+10² बराबर, तो 1+10² वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है ना होगा, सेक स्क्वायर और नीचे हम बोल रहा है 1+cot² है, तो 1+cot² बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा, होगा रे। इसका उल्टा होता है 1/cos² है, क्या होता है, और इसका उल्टा होता है 1/sin² है, होता है, और साइन जाएगा ऊपर, साइन जाएगा कोस है नीचे, कोस है तो साइन है बटा कोस है बराबर क्या होता है, बराबर होता है 10, क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, 10² है, तो कितना देख लिए, चल 50 पूरा देते हैं, कोस 20 बराबर, ऐसे तो खत्म हो गया जितना। अभी 149 क्वेश्चन पूछा गया था तुम लोग को जो टीम त्रिकोणमिति से, तो त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसे याद होना चाहिए, अब फटाफट इसी तरह बनाना, जो हल्का रहेगा सुन के बना लेना है, ठीक है ना। तो हम कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह था जो फालतू क्वेश्चन पूछा था, तो हम भी छोड़ दिए, तुम लोग को बताए थे ना कि फालतू उसमें नहीं फंसना। साइन कोस 20 का मान, तो कोस 20 का मान क्या होगा, तो 20 में कितना जोड़ेंगे, तो 90 होगा, 70 होगा, तो साइन 50 साइन हो जाएगा, कोस साइन बदलता है ना, साइन 70 क्या होगा, तो इस तरह हम देख लिए, तो कितना हो गया, चैप्टर नंबर 8 तक बता दिए ना। अब ये होगा क्या, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला, क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ ले, क्योंकि पूछ ले 18 को पूछ ले ना, 19 को क्या पूछ ले, 20 को पूछ ले, 20 को क्या हुआ है, 20 को है, ठीक है। इस तरह करके पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, छठी बार क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तुम लोग अभी तक जो लाइक नहीं किया, लाइक का शेयर का सब्सक्राइब कर, ठीक है, तुम लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर, 9, 10, 11 वाला बीच